ओ भाईयो साइप्रस आना है, इंटरव्यू की टेंशन है? बिल्कुल भी नहीं लेनी आप लोगों ने टेंशन, क्योंकि आपका भाई आज बताने जा रहा है कि साइप्रस आने के लिए इंटरव्यू में क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड हैं, क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड नहीं है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो चलें शुरू करते हैं आज का टॉपिक। जिस तरह आप लोगों को मैं स्टार्ट में बता चुका हूँ कि इंटरव्यू की डिटेल आप लोगों को बताने लगा हूँ कि इंटरव्यू में आप लोगों को से किस तरह के क्वेश्चंस एंड आंसर्स किए जाएंगे एंड ओवरऑल हर चीज़ आप लोगों को मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो कोई पॉइंट स्किप मत कीजिएगा, वीडियो का कोई पॉइंट भी स्किप मत कीजिएगा, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए। वेल, सबसे पहले आप लोगों को अपॉइंटमेंट कॉल आएगी। अपॉइंटमेंट कॉल आपको करेंगे, आपको एम्बेसी के 2-3 चक्कर लगाने पड़ेंगे, वो आपको फ़ौरन अपॉइंटमेंट बुलाने के बाद फ़ौरन आपसे इंटरव्यू या आपको वीज़ा नहीं दे देंगे। उसके लिए आप लोगों को 2-3 चक्कर वो लगवाएंगे फजूल के, इस्लामाबाद एम्बेसी की बात कर रहा हूँ। एंड मैं सबसे पहले आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस बताऊँ। मेरा एक्सपीरियंस यही हुआ था कि मुझे एम्बेसी से 2-3 दफ़ा कॉल आई थी, तो मैं 2-3 दफ़ा वहाँ पे चक्कर लगाने गया था, तो वो यही कहते थे कि हम आपका इंटरव्यू या आप लोगों को वीज़ा 3 बजे तक दे देंगे, लेकिन नहीं थे देते। फिर वो कहते थे आप कल आएँ। वेल, मैंने 2-3 चक्कर लगाए, मुझे नहीं मिला। इसके बाद फिर ऐसा हुआ कि मैंने फिर एक दिन इस्लामाबाद होटल में स्टे कर लिया। स्टे करने के बाद फिर मुझे कॉल आई कि आप सुबह 8 बजे आ जाएं, आपको मिल जाएगा। वेल, फिर 3rd and 4th day के मैं दोबारा गया वहाँ पे चक्कर लगाने के बाद। वेल, मुझे उन्होंने वीज़ा दे दिया। मेरा कोई इंटरव्यू शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुआ और किसी तरह का मुझे कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुई। वेल, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दोस्त थे जिन लोगों के वीज़ा उन्हें नहीं मिल रहे थे, जिन लोगों को इंटरव्यूज़ हो रहे थे। मैं ये नहीं कह रहा कि इंटरव्यूज़ वहाँ पे नहीं हो रहे थे, काफ़ी लोगों के इंटरव्यूज़ हो रहे थे वहाँ। मैं जितने लोग थे वहाँ उनसे मैं इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता गया कि इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चंस कर रहे हैं एंड इंटरव्यूज़ किस तरह के हो रहे हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड कर रहे हैं एंड किस चीज़ की डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड कर रहे हैं। मेरा बीकॉम था 2015 का, अब मेरा स्टडी गैप 4-5 साल का था। मुझे इस चीज़ की टेंशन पड़ गई कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। वेल, मैंने फिर जहाँ जहाँ पे जॉब्स की थी वहाँ से मैंने अपने एक्सपीरियंस लेटर बनवाना शुरू कर दिए। इन 1-2 दिनों में मैंने बड़ी भाग दौड़ लगवाई, वो एक्सपीरियंस लेटर्स मैंने इशू करवाए वहाँ से। वो लेने के बाद फिर जब मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स उन्हें जमा करवाए, मैंने अपने एक्सपीरियंस लेटर जॉब के उनके साथ लगा के तो डॉक्यूमेंट्स अगेन जमा करवाए। वेल, आई थिंक के वो जो मैंने जॉब्स एक्सपीरियंस के मैंने मेरा स्टडी गैप जो 4-5 साल का था उसमें मैं जॉब करता रहा था, फ्री नहीं बैठा, तो आई थिंक के उस वजह से मेरा इंटरव्यू नहीं हुआ। वेल, थैंक्स गॉड के मुझे वीज़ा मिल गया और आज मैं साइप्रस में CIU साइप्रस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में बैठा हूँ। वेल, उम्मीद करता हूँ आप लोगों के भी कुछ लोगों के इंटरव्यूज़ नहीं होंगे। उसके लिए आपको करना क्या है, अगर आप लोगों का स्टडी गैप है तो उस स्टडी गैप में आप लोगों ने क्या क्या किया था वो आप डॉक्यूमेंट्स लाजमी अपने साथ लेके जाएं। वर्क किया था नहीं किया था, जहाँ पे भी किया था, वेल जो भी किया था उस चीज़ का एक्सपीरियंस अपने साथ लेके जाइएगा। अदरवाइज आपका जो गैप है, स्टडी गैप है, वो आपका इंटरव्यू लाजमी लेंगे और वो आपसे क्वेश्चनिंग करेंगे। सबसे पहले यही करेंगे कि आप साइप्रस क्यों जाना चाहते हैं, आपने बताना है स्टडी करने जाना है। सीधी सी जो बात है, आपने यही बताना है स्टडी करने जाना है, क्योंकि मोस्टली यहाँ पे यही केसेस होते हैं कि यहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं और वो साउथ साइड पे भाग जाते हैं और मोस्टली इसलिए ही आते हैं कि यार वहाँ पे जाके जॉब करनी है, ये करना है, वो करना है, तो वो इंटरव्यू में इसलिए ये सबसे पहले ये क्वेश्चंस करेंगे। तो आपने यही कहना है स्टडी करनी है, और स्टडी भी आपने ऐसी चूज करनी है जिसका बैकग्राउंड आपकी जो नेक्स्ट स्टडीज कर रहे हैं उसके साथ मिलता जुलता हो। लाइक अगर आपने ICOM की है तो यहाँ पे आपने BBA या इस तरह की अकाउंट्स के रिलेटेड ही कोई आपने डिग्री सेलेक्ट करनी है बैचलर्स की। अगर आपने बैचलर्स की है तो आपने मास्टर्स की ऐसी डिग्री सेलेक्ट करनी है जो के आगे जिसमें अकाउंट्स ही हो। इन शॉर्ट ये है कि जिसका बैकग्राउंड आपकी डिग्री के साथ मिलता जुलता हो। वेल, गला थक गया मुझे बोलते बोलते। और इसके अलावा यही कि बस मैं आप लोगों को यही कहता जा रहा हूँ बार बार कि आप लोगों का अगर स्टडी गैप है, स्टडी गैप में आपने जो जो किया है उस वो चीज़ें आप एक्सपीरियंस लेटर है या जो भी है वो आप लोग अपनी डिग्रीज के साथ अटैच करके ज़रूर एडवांस में ही उन्हें सबमिट करवा दीजिएगा।
अगर नहीं करवाएंगे तो आपका इंटरव्यू होगा, और अगर आप सबमिट करवा देंगे तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों का इंटरव्यू भी नहीं होगा। और इंटरव्यू बहुत आसान इंटरव्यू होता है, टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है आप लोगों को इंटरव्यू की। मेरे बहुत से दोस्त इंटरव्यूज दे के आए थे जो कि पास भी हो गए थे और कुछ फेल भी हो गए थे। फेल वो अपनी इस वजह से ही हुए थे कुछ, क्योंकि उनका जो पास्ट था उसकी डिग्री फ्यूचर की डिग्री के साथ मैच नहीं थी हो रही बिल्कुल भी। तो काइंडली इस चीज़ को आप ज़रूर रख के जाइएगा, इंटरव्यू में कोई इतनी टफ नहीं होती। वेल मेरा ये था कि 15 लोगों के इंटरव्यू थे जिनमें से 3 लोग सिलेक्ट हुए थे, उनमें से एक मैं भी हूँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। रीज़न मेरा इंटरव्यू भी नहीं था हुआ, बाकी 2 लड़कों का फिर भी इंटरव्यू हुआ था। मेरा इंटरव्यू ना होने की रीज़न यही मुझे पता चली, जहाँ तक कि एक मेरा स्टडी में गैप भी था और मेरी स्टडी जो मैं सिलेक्ट कर रहा था वो भी ठीक थी, और मेरा जो स्टडी गैप था उसमें मैंने वर्क किया था, फ्री नहीं मैं बैठा रहा, तो इसलिए मैं मास्टर्स की डिग्री के लिए साइप्रस शायद सिलेक्ट हुआ हूँ, शायद नहीं मुझे यकीन है मैं इसीलिए सिलेक्ट हुआ था क्योंकि मेरे पास वो 3-4 साल का वर्क एक्सपीरियंस आया था। क्योंकि मैंने स्टडी 2015 में मेरा बीकॉम हुआ था, उसके बाद फिर मैंने स्टडी के साथ ही मैंने जॉब स्टार्ट कर दी थी, फ्री नहीं मैं बैठा, फ्री तो शायद मैं लाइफ में कभी ना बैठा हूँ, यहाँ भी आगे भी फ्री नहीं मैं बैठा। देख लें जॉब कर रहा हूँ साथ साथ, स्टडी कर रहा हूँ साथ साथ, बहुत टफ सिचुएशन है। ये मेरी शॉर्ट सी वीडियो थी, शॉर्ट तो नहीं लेंथ ही हो गई है। वेल वीडियो मेरी ज़रूर आप लोग ने एंड तक जरूर देखी होगी। कोई क्वेश्चंस हो नीचे कमेंट्स में आ जाएं। व्हाट्सएप के लिए मेरा फेसबुक का लिंक मैंने अपनी यूट्यूब चैनल पे दिया हुआ है, वहाँ पे यूट्यूब से आके फेसबुक पे आके वहाँ से मेरे व्हाट्सएप पे आप लोग मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड अगेन यार मैं इतना फ्री नहीं होता कि आप लोगों का जो व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करते हैं उसका मैं आपको फौरन रिप्लाई करूं, क्योंकि जब मेरा सोने का टाइम होता है, लास्ट टाइम भी बताया मैंने कि जब मेरा सोने का टाइम होता है तब आप लोगों के जागने का टाइम होता है। वेल मेरी स्माइल किसी स्पेशल पर्सन के लिए जिसे बहुत ज्यादा मेरी स्माइल पसंद है। चैनल को लाइक सब्सक्राइब आज मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि कुछ लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती है, कुछ लोगों को मेरी वीडियोस नहीं पसंद आती। जिन्हें पसंद आती है वो मेरा चैनल सब्सक्राइब खुद ही कर देते हैं, मेरे कहने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही मुझे बहुत ढेर सारा प्यार दे देते हैं। और जो मेरे हेटर्स हैं जिन्हें मेरी वीडियोस नहीं अच्छी लगती, उन लोगों को भी मैं दिल से मोहब्बत करता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि यार ये है वो है ऐसे है वैसे है। व्लॉगिंग स्टार्ट की है साइप्रस लाइफ में, मिस्टेक्स होती हैं हर इंसान से, एंड इंशाल्लाह डे बाय डे मैं अपनी व्लॉगिंग भी अच्छी कर रहा हूँ, इम्प्रूवमेंट ला रहा हूँ। मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, स्टूडेंट हूँ, एक चैनल स्टार्ट किया हुआ है आप लोगों के लिए कि यार जो लोग साइप्रस यहाँ पे आ रहे हैं उन लोगों को मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ बस। इसके अलावा मेरा और कोई पर्पज़ नहीं है कि मैं ये वीलॉगर बहुत बड़ा वीलॉगर हूँ ये है वो है। वेल एंड करते हैं, मैं दुआओं में याद रखिएगा मुझे भी, आप लोगों को भी, मैं इंशाल्लाह आप सब लोगों को दुआओं में याद रखूँगा। अल्लाह आप सब लोगों की मुश्किलात दूर फरमाए, आमीन सुम आमीन। एंड मेरे लिए भी दुआ ज़रूर कीजिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट किसी और अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।